आज 17 सितंबर है और आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है, जो कि विश्व के महानतम निर्माण गुरु शिल्पकार थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में विश्वकर्मा कॉन्ट्रैक्टर संगठन की ओर से विश्वकर्मा जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये आप विश्वकर्मा जी की शानदार तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे में आप देख सकते हैं जो तमाम उपकरण हैं, जो कि यानी कि औजार हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल में आती हैं, और आज के दिन ये लोग काम नहीं करते, तो ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो लेबर के लोग हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम मजदूरों के बच्चे हैं जो यहाँ पर यानी कि प्रसाद लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लंगर खाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। पिछले मैं कुछ सालों की बात करूँ, 4 साल हो चुके हैं अगर मैं बात करूं विश्वकर्मा कॉन्ट्रैक्टर संगठन की, तो इस संगठन द्वारा बहुत सारे चैरिटी के काम किए गए हैं, बहुत सारा सोशल वर्क किया गया है। जैसे कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि मजदूरों में से बहुत सारे मजदूर अचानक से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, बहुत बार उनकी डेथ हो जाती है काम करते हुए, तो ऐसे में दुर्घटनाग्रस्त जब वो हो जाते हैं, उसके बाद उनको, उनके परिवार को एक सहयोग राशि देने में भी ये पूरा संगठन काम करती है। सबसे पहले हमारे साथ प्रधान हैं विनोद कुमार जी, उनसे हम जानकारी लेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज विश्वकर्मा जी की जयंती है और ऐसे में आज भंडारे का आयोजन किया गया है। महक जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने हमें अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म दिया, और इसके साथ ही मैं तमाम शहरवासियों, देशवासियों को भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह की शुभकामनाएँ देता हूँ। विश्व के महानतम आर्किटेक्ट, शिल्पकार, गुरु भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जयंती है, जिसको हमारा संगठन और तमाम शिल्पकार बंधु बड़े धूमधाम से आज मना रहे हैं 17 सितंबर को। और ये इसमें हम हमारे जो सभी ठेकेदार हैं, मिस्त्री हैं, जो कि एक भवन निर्माण, एक राष्ट्र निर्माण की तरह है, एक अच्छा भवन निर्माण कर रहा है तो एक संपूर्ण बढ़िया राष्ट्र निर्माण की ओर जा रहा है, तो मैं सभी को इसके लिए बधाई और शुभकामनाएँ दूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन पिछले 3-4 साल से लगातार कोरोना काल में भी बहुत ही प्रवासी मजदूर हैं और हैं, इनकी बड़ी सहायता की, और अभी भी चैरिटी के तौर पर कोई लेबर, कोई मिस्त्री, कोई घटना दुर्घटना हो तो हमारा संगठन लगातार इसमें तत्पर तैयार रहता है, और भवन निर्माण से जुड़े सभी ठेकेदार भाई इसमें सम्मिलित हैं। लगभग 4-5 हज़ार हमारे ठेकेदार भाई करनाल में हैं, जो कि हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और दिन रात एक करके मेहनत करके लेबरों के साथ, मिस्त्री के साथ खड़े रहते हैं और ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं। और मैं सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, और परमपिता भगवान विश्वकर्मा जी से मैं अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि सभी को अपने हस्त कारीगर में संपूर्ण प्रगति दें, उन्नति दें, यही मैं सबको कहना चाहूँगा। हमारे साथ विश्वकर्मा कॉन्ट्रैक्टर संगठन के उप प्रधान भी हैं सरदार गुरचरण सिंह, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, एक विश्वकर्मा जयंती हम मनाते हैं दिवाली के दूसरे दिन, एक आज मना रहे हैं, इसका क्या राज है? देखो, राज इसका यह है कि जो हमारे यहाँ हरियाणा में मनाते हैं या पंजाब में मनाते हैं, दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं, वो हमने एक डे रखा हुआ है कि दिवाली की छुट्टी हो जाती है, अगला दिन विश्वकर्मा जयंती मना ली जाती है। 17 सितंबर जो है एक्चुअली जन्म डे है इनका, तो बिहार में और प्रदेशों में इसको मनाया जाता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार भाई हैं, लेबर के बंदे हैं, बहुत बिहार के काम करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ मिलके विश्वकर्मा डे को मना रहे हैं। सर, आप लोगों को वैसे तो साल में एक ही छुट्टी मिल रही थी, लेकिन अब दो दो हो गई है। हाँ, ये हमारे विश्वकर्मा भगवान जी की ही देन है, हमको दो दो छुट्टियाँ दवा रहे हैं जी, धन्यवाद। छुट्टी मिल रही है, और ऐसे में आप देख सकते हैं तमाम जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जी सर। मैक जी, मैं साथ ही साथ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है, मैं साथ ही साथ सभी देशवासियों को और तमाम आपके दर्शकों को प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जैसे वो हमारे देश को आगे प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं और वो भी एक राष्ट्र के निर्माण की ओर, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसे ही हमारे शिल्पकार बंधु हैं जो कि विश्व गुरु भगवान श्री विश्वकर्मा जी के चेले हैं सभी, और एक निर्माण में बहुत बड़ा राजमिस्त्री का सहयोग रहता है, तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके माध्यम से देना चाहता हूं।
धन्यवाद। देश को आगे बढ़ाने में या फिर किसी भी भवन का निर्माण करने में राजमिस्त्री का बहुत ही बड़ा योगदान यानी कि रहता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के करनाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। करनाल के सेक्टर 32 की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।